घर में आग लगने से चार लोग जिंदा जले। जी हाँ नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 4। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रोहतास जिला के नोखा प्रखंड से, जहां झोपड़ी नुमा घर में आग लगने से चार लोग जिंदा जल गए। घटना नोखा थाना अंतर्गत रूपहाथा गांव की बताई जा रही है, जहाँ माँ दलित के झोपड़ी नुमा घर में आग लग गई और महिला समेत चार लोगों की मौत हो गई। एक अन्य महिला समेत दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन कार्य में जुट चुकी है। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए सासाराम अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं इस घटना से संबंधित स्थल पर पहुंचकर एसडीएम आशुतोष रंजन, थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार मलाकार, संझौली सीओ किशोर पासवान, नोखा सीओ मकसूदन चौरसिया इत्यादि मौजूद रहे। आइए सुनवाते हैं स्थानीय क्या कह रहे हैं इस घटना के संबंध में। क्या हुआ है? घर में आग लग गया। कैसे? अरे अब ना देखल जा कैसे कहल जा। घर में आग लग गया, चार गो में मौत हो गई जा, दो गो माने के घायल हो गई जा। हां अब देखबे ना कहल जा कैसे आग फैल लागल बा। चार आदमी दे स्पॉट डेट कर गए। हां चार गो स्पॉट डेट। आ दो आदमी में गंभीर रूप से घायल हो रहा है। घायल हो जा। अब देखि जब गांव घर टूटल ह त बुतैले ह ना दिनी। कौन प्रखंड? प्रखंड नोखा। जिला? जिला बड़ा जिला रहता है, बड़ा इलाक रहता है। राउत जवान कौन? डब्ल्यू राउत कौन? हम गोतनी का लड़का, हम गोतनी है। गोतनी के बेटा जा।